साध्वी लुईस दे मारिलाकोंक जीवन कहानी। प्रिय भौणी ओ भाई माने, आज हेउची मई मासर 9 तारीख। पवित्र माता मंडली आज साध्वी लुईस दे मारिलाकोंक पर्व पालन करूछि। अतएव जीवन चेतना यूट्यूब माध्यम रे साध्वी लुईस दे मारिलाकोंक जीवन विषय रे आसंतु आमे माने किछि आलोचना करिबा। साध्वी लुईस दे मारिलाकोंक जन्म अगस्त 12 तारीख 1591 ख्रीष्टाब्दरे होइथिला गोटे संभ्रांत परिवार रे। बाल्य अवस्था रु ही लुईस निज मां को हरई थिले। पिता लुईस दे मारिलाक जे तत्कालीन फ्रांस देशरो जने राजांकर उच्च कर्मचारी थिले, निज अलीओळ कन्या लुईसांक सुशिक्षा देबारे से केबे हेले अवहेला करिनथिले, जहा निज जीवन रे लुईसांकु गोटे सुदक्ष कर्मठ विचक्षण ईश्वर भक्ता एवं बोधान्यतारे भरपूर थिबा जने व्यक्तित्व को तोली नहीं थिला। निज शिक्षा काल रे से पोइसीर राजकीय मठ डोमिनिकन सन्यासिनी मानंक ठारे रही शिक्षा व्यतीत जीवनर सांसारिक ओ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करथिले। जेतेबेले तांकर प्राय 19 वर्ष होइथिला, लुईसा सन्यासिनी होई सारा जीवन ईश्वरों ठारे समर्पण करिबा स्वप्न मध्य देखिथिले। ठीक सही समय रे तथा 1700 ख्रीष्टाब्दरे फ्रांस देशरे सन्यासी जीवन पई नूतन जागरण सृष्टि होइथिला। निज परिवाररु अति संपर्कीय किछि जण मध्य जीशु संघ ओ कापुचिन संघरे जाजक होइसारिथिले। डोमिनिकन कार्मेलाई साध्वी क्लारांको कठिन आश्रम ओ उर्सुलाइन भली सेवा संघ प्रतिष्ठा होइसारिथिला। 20 वर्ष बयसरे जीवनर दौड़े निज भविष्यतर अनिश्चितता हृदयरे केवल आलोड़न करिनथिला, ईश्वरंकर इच्छा जानिबा पई मध्य से आतुर होइथिले एही जीवनर रहस्य को बुझिबा पई। दुर्बल स्वास्थ्य हेतु कठिन पारिश्रमिक आश्रमर द्वार तांक पई बंद रहिगला एवं निज अनिच्छा सत्वे 1613 मसीहारे आंतोनी लेग्रास नामक जने युवकंकु लुईसा विवाह करी वैवाहिक जीवन ग्रहण कले एवं माइकल नामक जने पुत्र को लुईसा जन्म देले। कथारे अछि विधिर विधान न करिबो आन, विधिर विधान रे लेखा हेला भली 12 वर्षर वैवाहिक जीवन परे 1625 ख्रीष्टाब्दरे लुईसा निज स्वामी आंतोनी को हराइथिले। जीवनर प्रत्येक जंत्रणा ओ दुखद अवस्थार रहस्य लुईसा को केबे हेले पछुआ करिनथिला। ठीक एही परिस्थिति रे 1619 ख्रीष्टाब्दरे साधु विन्सेंट दे पाउलंक भली व्यक्ति को आध्यात्मिक निर्देशक भावे प्रभु साक्षात कराई देथिले, जहां को आध्यात्मिक निर्देश तांको जीवनर सत्यतार पथ प्रदर्शन करिसारिथिला। जीवनर अनेक दुर्दशा मध्यरे लुईसा विचलित न होई कहुथिले, प्रभु ही केवल मोर आशा ओ भरोसा एवं मो आत्मार मालिक, मो तांको गोलाम, निजको मो तांको हस्तरे समर्पण करूअछि। गरीब मानंक सेवा जनित अन्य मानंक मंगल निमन्ते तृषित थिबा समय रे लुईसांक आध्यात्मिक तृषा मेंटाइबारे पुणी प्रभुंक इच्छा को ठाब करिबारे प्रधान सहायक हेले साधु विन्सेंट दे पाउल। सही समय रु साधु विन्सेंटंकर सहवर्ती होई 1617 रे
साधु विंसेंट द्वारा प्रतिष्ठित सेवा संघ को प्रथम थर पाई परिदर्शन करने प्रेरण करथिले साध्वी लुईसा को जो सेवा संघरे महिला माने सेवारत थिले गरीब मानंकर जत्न वो सेमानंक शारीरिक मानसिक वो आध्यात्मिक जीवन रे सहाय हेबार थिला सेवा संघर मौलिक कर्म एथिपाई अनेक युवती ग्रामांचल रु आगे आसी हाथ बढ़ाई थिले साधु भिनसेंट दे पाओलोंकु एहा देखि युवती मानंक पाई प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ करथिले साध्वी लुईसा जहाँ थिला प्रेम कन्या बा सिस्टर्स ऑफ चैरिटी बा डॉटर्स ऑफ चैरिटी सेवा संघर शुभारंभ से मानंक आध्यात्मिक जीवन वृद्धि पाई साधु भिनसेंट बहुत गुड़िए शिक्षा शिविर बा कॉन्फ्रेंसेस दीर्घ 34 वर्ष पर्यंत दे आसुथिले दीर्घ 12 वर्ष धरी से ही नुआ सेवा संघर कौनसी लिखित नियम नथिला बा आनुष्ठानिक भावे एहार प्रतिष्ठा पाई कौनसी सुपारिश बा अनुमति मंडलीर पुण्य पिता बा रोम ठारु मगा जाई नथिला से ही समय रे बाहर दुनिया रे जाई स्वेच्छासेवी भावे सेवा भग्नी माने काम करिबा कथा चिंतार बाहरे थिला किंतु मंडलीर इतिहास रे डॉटर्स ऑफ चैरिटी सेवा दल कन्या माने प्रथम थर पाई बाहर दुनिया रे सेवा भग्नी रूपे कार्य करे दरिद्र अभागार आश्रय हो पारिथिले साधु भिनसेंट से मानंको कहुथिले ईश्वरंकर भय हेउ तुमर मठर कांथ मुंडर धार्मिक कपड़ा हेउ तुमर भद्रतार चिन्ह निज धर्मांचल बा धर्ममंडलीर गिरजाघर हेउ तुमर प्रार्थना गृह भड़ाघर हेउ तुमर बासभवन ओ सेवाकर्म हेउ तुमर कार्यालय डॉटर्स ऑफ चैरिटी सेवा दल वेश पोशाक अति साधारण मूलिया झियो मानक सदृश्य थिबा हेतु से माने अति सहजरे लोकंक सह मिसिबा कार्य करिबा सहज ओ सरल होइथिला प्रथम वर्षर सेवा कर्मर फल सदृश्य से माने निज परिचय को जिताई प्राय 750 जन लुथरन ओ काल्वनिसम दलर व्यक्ति को मंडलीरे संयुक्त करि पारिथिले एहा व्यतीत खूब तीव्र गति से माने गोटिए परे गोटिए वृद्धाश्रम अनाथाश्रम ओ चिकित्सालय भली अनुष्ठानर शुभारंभ करिथिले लुईस दे मारलाक 1660 मसीहा मार्च मास 15 तारीख रे मृत्युवरण करी चली जाइथिले दुनियार सेवाकर्म भूमिरु जहार ठीक 6 मास परे निज आध्यात्मिक गुरु साधु भिनसेंट दे पाओलंकर मृत्यु होइथिला मृत्यु समय रे 40 ऊर्ध सेवास्थली सेमानंकर स्थापन होइसारिथिला केवल फ्रांस देश रे आज प्राय 4000 रु ऊर्ध सेवाश्रम सारा विश्वर कणे कणे प्रतिष्ठित हो प्राय 15000 रु ऊर्ध सेवाकन्या गरीबर सेवारे नियोजित अछंती सारा विश्वरे आम देश भारत रे मध्य उत्तर ओ दक्षिण प्रांतर प्रोविंस रे प्राय 400 सेवा भग्नी माने कार्य करी आसुअछंती एही सेवा संघ वर्तमान पर्यंत घरै नियम ओ व्रत ग्रहण करी आनुष्ठानिक धार्मिक संस्था मानक पृथक एवं स्वतंत्र अटे सेवा संघर सर्वसाधारण नियम आरंभ रु केबे परिवर्तन होइन थिला लुईसांक धन्य घोषणा मई मास 9 तारीख 1920 मसीहारे होइथिला एवं मार्च मास 11 तारीख 1934 मसीहारे पोप पियो एकादशंक द्वारा साध्वी घोषित होइथिले साध्वी लुईसा 1960 मसीहारे फेब्रुआरी मासर 10 तारिखरे से समग्र मंडलीर समाज सेवार कर्मर इष्ट साध्वी भावे घोषित होइथिले आज तांको पर्वदिनर अवसर रे तांको मध्यस्थतारे आसंतु आमे माने प्रार्थना करिबा तांकर सेवा दलर अभिवृद्धि हेउ एवं प्रत्येक सदस्य माने साधु भिनसेंट दे पाओलो एवं लुईस दे मारलाकंकर आत्मार परिचय निज सेवा कर्मरो प्रदान करंतु
आमेन।